अब आते हैं मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर। कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, एक प्रधानमंत्री कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 303 सदस्य हैं वर्तमान में, हर आदमी मंत्री बनना चाहता है, तो क्या प्रधानमंत्री के अपने विवेक पर है कि वह जितने मंत्री ले ले? नहीं, उसका भी एक नियम है। पूर्व में ये नियम नहीं था, जब संविधान लागू हुआ तो ऐसा कोई नियम नहीं था, पर इस ऐसी स्थिति में इसके बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए अब एक ऊपरी सीमा तय कर ली गई है और भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या के बाबत ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 10% सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या संबंधी वैसे तो कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं, लेकिन सामान्यतया और बाद में एक परंपरागत तरीके से अब यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि कुल सदस्यों की संख्या, याद रखें, दल के कुल सदस्यों की संख्या, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या नहीं, लोकसभा के अंदर सत्तारूढ़ दल, चाहे वो एक दल हो, चाहे बहुमत का दल हो, चाहे गठबंधन हो, इसके कुल सदस्यों का 10% मंत्रिपरिषद की संख्या होती है, अर्थात हम कह सकते हैं 50 से 56 के बीच। इनमें से 12 से 20 तक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। अब ये कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये मान लें कि एक तरीके से 50 के आसपास की सीमा, 545 हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, तो 545 के यदि 10% लेते हैं तो लगभग 54-55 सदस्य लिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मंत्रिपरिषद की संख्या को जानने के बाद अब हम आते हैं मंत्रियों की श्रेणी। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ एक प्राचार्य होते हैं, एक उप प्राचार्य भी होंगे, फिर हेडमास्टर भी होंगे, और उसके बाद अन्य शिक्षक, शिक्षकों की भी श्रेणियाँ हैं। लेकिन आप यदि देखें तो आपको इतना मालूम है कि एक प्राचार्य होते हैं, एक उप प्राचार्य होते हैं और एक हेडमास्टर होते हैं, ये श्रेणी है। इसी प्रकार मंत्रियों की भी श्रेणी होती है, और मंत्रियों की श्रेणियों की बात करें तो 3 श्रेणियाँ सामान्यतः, और उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद संसदीय सचिव और आदि आदि कुछ और अन्य लोग भी हैं, ये कभी कभी नियुक्त होते हैं। अब यदि श्रेणियों पर आए तो कैबिनेट मंत्री पहली श्रेणी है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री सबसे ऊंची श्रेणी, जो मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के मुखिया होते हैं सामान्यतः, उसके अध्यक्ष होते हैं और देश के संचालन में अपने विभाग की नीतियों के निर्धारण में प्रधानमंत्री के साथ बहुत निकट संबंध रखते हैं। एक तरीके से आप मान लीजिए विभागाध्यक्ष जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके बाद बारे में आगे स्थिति और स्पष्ट होगी। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए, पहला रैंक क्या, कैबिनेट मिनिस्टर, ये एक पहला रैंक है। शब्द क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर। अब दूसरा रैंक, दूसरा रैंक है राज्य मंत्री, जिसे हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MOS, या संक्षिप्त में उसे स्टेट मिनिस्टर भी कह देते हैं, अन्यथा वे कहलाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री। राज्य मंत्री दूसरी श्रेणी का मंत्री, और ये मंत्री 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो अपने विभाग में दूसरे श्रेणी पर रहते हैं, और एक वे मंत्री जो अपने विभाग में मुखिया रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर विभाग का मुखिया कैबिनेट मंत्री रहे, जरूरी नहीं है कि हर विभाग में पहले रैंक का मंत्री रहे, ये जरूरी नहीं है। आप यदि बड़े स्कूलों को देखें या बड़े स्कूलों में यदि पढ़ते हों तो वहाँ एक प्राचार्य होते हैं और कई बार 2 या 3 उप प्राचार्य होते हैं, और उसके बाद यदि स्कूल बहुत बड़ा है तो 4-5 हेडमास्टर भी होते हैं। कोई प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर, एक मिडिल स्कूल का हेडमास्टर, एक हाई स्कूल का हेडमास्टर और एक
हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर, चार हेडमास्टर हो गए। ऐसे भी कुछ स्कूल होते हैं आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखें, जो बहुत नए नए छोटे खुले हों तो वहाँ प्राचार्य नहीं रहते, वहाँ उप प्राचार्य रहते हैं। अर्थात पहले रैंक का प्राचार्य वहाँ नहीं है, वहाँ पर दूसरे रैंक का प्राचार्य है जिसे उप प्राचार्य कहा गया, तब तक कि जब तक वो छोटा है स्कूल। जब स्कूल बड़ा होगा तो वहाँ पर प्राचार्य का पद आ जाएगा और एक उप प्राचार्य का बना रहेगा, या उप प्राचार्य का हटा दिया जाएगा, केवल प्राचार्य का बना रहेगा। इसी प्रकार मंत्रिमंडल की यदि बात करें तो यदि कोई सा विभाग बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उन सब विभागों के अध्यक्ष को हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, पहला रैंक। उसके बाद यदि विभाग बड़ा बहुत बड़ा है तो उस कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए एक या दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जिसे राज्य मंत्री कहते हैं। और यदि विभाग छोटा है तो वहाँ पर कैबिनेट मंत्री ना हो करके राज्य मंत्री ही उस विभाग का मुखिया होता है। उदाहरण के लिए भारत में यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जब स्पेस विभाग, अंतरिक्ष संबंधी मामलों का विभाग शुरू हुआ था नया नया और एक स्वतंत्र विभाग था, तो उस विभाग के मुखिया को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया, क्योंकि वह विभाग इतना विशाल नहीं था कि एक कैबिनेट मंत्री की जरूरत हो, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी था कि वह एक विभाग बने और शुरू होए, इसलिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट उस विभाग में दिया गया। तो दूसरे शब्दों में राज्य मंत्री जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं पहली बात, दूसरी बात दो तरीके के, एक तो वे जो किसी कैबिनेट मंत्री के तहत उस विभाग में काम करते हैं जिनकी संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है, और एक वे जो स्वतंत्र प्रभार रखते हैं, वहाँ पे कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। और ऐसा विभाग सामान्यतः छोटा विभाग होता है या नया विभाग होता है, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है उसे हम कहते हैं स्वतंत्र विभाग का मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज। राज्य मंत्री ना तो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और ना ही उसकी बैठक में भाग लेता है। अब देखिए दो शब्द, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वह मंत्रिपरिषद की, जिसमें सभी रैंक के मंत्री होते हैं, यानी जो भी मंत्री हैं वे सब मंत्रिपरिषद के सदस्य रहते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल कुछ अलग होता है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक अंग है, एक टुकड़ा है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री ही रहते हैं बस, उसमें राज्य मंत्री नहीं रहते। मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री ना तो मंत्रिमंडल में रहते हैं और चूंकि नहीं रहते इसलिए उनकी बैठकों में भी भाग नहीं लेते। अब तीसरा रैंक, तो तीसरा रैंक कहलाता है उपमंत्री, यानी डिप्टी मिनिस्टर। ये तीसरी रैंक है, जैसे मैंने स्कूल का उदाहरण देते हुए हेडमास्टर बताया था, तो ये तीसरी रैंक है मंत्री परिषद में। मंत्रिमंडल में तो केवल कैबिनेट मंत्री, और मंत्रिमंडल जो है वह मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा है। अब यदि हम डिप्टी मिनिस्टर की बात करें तो पहली बात तीसरी श्रेणी के मंत्री, दूसरी बात जैसे MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, उप मंत्रियों को कभी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ये आप याद रखें। ये हमेशा या तो कैबिनेट मंत्री के साथ या मिनिस्टर ऑफ स्टेट से जुड़े हुए रहते हैं, उनके मातहत काम करते हैं, उनके सहायक के रूप में काम करते हैं। एक हम स्थिति लेते हैं विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की बात करें तो उसका काम है पूरे विश्व को पर नज़र रखना। विश्व में 192 देश हैं, उसके अलावा बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उसके अलावा इन 192 देशों के बीच में अपना तरीके का तालमेल है, अपनी तरीके के इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, ये सब। इन सब पर अकेला विदेश मंत्री नज़र नहीं रख सकता, इन सब देशों से अपने संबंधों पर या इन सब देशों
के साथ संबंध बनाने में विदेश मंत्री अकेला पर्याप्त नहीं है, तो उसकी मदद के लिए भारत सरकार ने 3 राज्य मंत्री रखे हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर की मदद के लिए 3 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार नहीं है। अब ये 3 राज्य मंत्रियों को के काम को बांट दिया जाए, एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, केवल एक उदाहरण बताने के लिए, कल्पना करिए पूरे विश्व को 3 भागों में बांट दिया गया और एक एक भाग एक एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दे दिया गया। एक भाग होगा सोचिए अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एक मंत्री को मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दे दिया गया यूरोप और एशिया के कुछ देश, और एक मंत्री को दे दिया गया भारत, उसके पड़ोसी देश आदि, क्योंकि भारत के पड़ोसियों देश का मुद्दा भी बहुत अहम रहता है विदेश नीति में। अब चूंकि अमेरिका यूरोप के अंतर्गत ही स्वयं 30-40 देश आते हैं, अकेला मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर की मदद से हो सकता है ये पूरा ना संभाल पाए, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की मदद के लिए हो सकता है 1 या 2 उपमंत्री भी उसे दे दिए जाएं, या कैबिनेट मिनिस्टर की मदद के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2-3 और उसके नीचे 2-3 मिनिस्टर ऑफ 2-3 डिप्टी मिनिस्टर दे दिए जाएं। तो इस प्रकार आप हायरार्की समझ सकते हैं कि किए काम के विभाजन के लिए किया गया है ये प्रावधान, और काम की मात्रा को लेकर उपमंत्रियों और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की संख्या तय होती, काम की मात्रा को लेकर। कैबिनेट मिनिस्टर केवल महत्वपूर्ण विभाग या बड़े विभागों को, नए और छोटे विभागों में मुखिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यदि विभाग बहुत बड़े हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर और उसकी मदद के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं, राज्य मंत्री भी हो सकते हैं 1 से ज़्यादा, और उपमंत्री भी हो सकते हैं 1 से ज़्यादा। छोटे या नए विभाग हों, जैसा मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी विभाग की बात की, तो वहाँ पर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही रहता है बस, और वो स्वतंत्र प्रभार, उसके ऊपर कोई नहीं। कुल मिलाकर ये श्रेणी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और या राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी विभाग का मुखिया जरूरी नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर ही हो, राज्य मंत्री भी हो सकता है, लेकिन उपमंत्री किसी भी विभाग का मुखिया नहीं हो सकता। तीसरी बात, उपमंत्री और राज्य मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं, ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं। दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद सभी रैंकों के मंत्रियों से मिलकर बनी है, जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट रैंक है, केवल कैबिनेट मिनिस्टर, कबीना मंत्री जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रकार उपमंत्री की भूमिका भी हमने जानी, और एक फाइन डिफरेंस जो है इन सब में उसको भी समझने की कोशिश की। इन 3 श्रेणियों के अलावा कभी कभी प्रधानमंत्री संसदीय सचिव के पद पर भी कुछ लोगों की नियुक्ति करता है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति करना या ना करना ये पूर्ण रूपेण प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। वैसे सच्चाई तो ये है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाए या विभाग और क्या रैंक दिया जाए, ये सब प्रधानमंत्री ही तय करते हैं, उन्हीं की इच्छा पर है। उसके साथ ही किस मंत्रालय में या किस विभाग में कितने मंत्री हों, कितने रैंक के कितने मंत्री हों, यह भी प्रधानमंत्री तय करते हैं। मैंने जैसा कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, और मंत्रिमंडल का हिस्सा और साथ ही साथ मंत्रिपरिषद का, ये संसदीय सचिव भी केवल एक तरीके से सहायक के रूप में रहते हैं, उपमंत्री के नीचे रहकर ये प्रशासन और खासकर संसदीय कार्यों में मंत्रियों की सहायता करते हैं। बस संसदीय कार्यों में, अर्थात किसी विभाग और संसद के बीच के जो तालमेल है उसको बनाने में ये संसदीय सचिव मदद करते हैं। तो इस प्रकार अभी स्थिति स्पष्ट हो गई,
मंत्रियों की श्रेणियां। यहां एक चीज हम बताना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे, किसी भी विभाग में, मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, साथ ही मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा उपमंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी विभाग में एक से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री नहीं। वैसे ही जैसे किसी भी स्कूल में एक से ज़्यादा प्राचार्य नहीं होंगे, मुखिया तो एक ही होगा। तो एक विभाग का मुखिया कैबिनेट मंत्री हो, और यदि वो विभाग नया या छोटा हो तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकता, लेकिन किसी भी विभाग में एक से ज़्यादा मंत्री, एक से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री नहीं होते। इस प्रकार ये चार रैंक हो गई। इन सभी श्रेणियों के लिए कॉमन बात है, और वह है कि इसके सभी श्रेणियों के पद अस्थाई होते हैं, अर्थात संख्या निश्चित नहीं होती किस विभाग में किस श्रेणी के कितने पद हों, अस्थाई रहते हैं। ये निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं और अवधि समाप्त होने पर अपने पद से हट जाते हैं। अर्थात यदि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि इस विभाग में दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हों तो रख सकते हैं, यदि उनकी इच्छा है कि पूर्व में इस विभाग में चार मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तीन डिप्टी मिनिस्टर थे, तो वो कह सकता, वो चाहे तो मिनिस्टरों की संख्या, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की संख्या घटाकर डिप्टी मिनिस्टर की संख्या बढ़ा सकता है। अर्थात रैंकों का कितना होना, कितनी संख्या होना, ये सब कुछ अस्थाई है और सब कुछ प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर है। और जैसे ही इनका काल समाप्त होता है ये पद हट जाते हैं, और ये इसके अलावा संबंधित व्यक्ति जो मंत्री है वो भी हट जाते हैं। किंतु प्रत्येक विभाग में कुछ स्थायी पद भी होते हैं जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में किसी भी दल के आने जाने से प्रभावित नहीं होते। अभी तक जो मैंने बात की वो अस्थाई पदों की बात की, वो सब राजनैतिक पदों की बात की जिसमें मंत्रिपरिषद आता है, उन लोगों की बात की जो जनता से चुनाव से आते हैं, ये राजनैतिक पद हैं और ये सब अस्थाई हैं, इनकी संख्या अस्थाई है। चूंकि ये चुनाव की प्रक्रिया से आते हैं निश्चित रूप से ये स्थाई नहीं है। चुनाव में, अगले चुनाव में कौन हारे कौन जीते ये कुछ मालूम तो रहता नहीं, इसलिए इसे अस्थाई रखा गया। लेकिन इसके अलावा यदि हम किसी एक विभाग की बात करें, जैसे मैंने विदेश विभाग की बात की, तो उसमें कुछ स्थाई पोस्ट भी होती हैं। यदि सभी पद इसमें अस्थाई कर दिए जाएं तो समस्या ये होगी कि चुनाव के बाद नई सरकार आने पर पुरानी नीतियां, पुरानी बजट, पुराने सारे पूरा इतिहास कौन बताएगा, जिसको लेकर भविष्य बनता है, जिसके आधार पर आगे की नीति निर्धारित करनी है सरकार को, तो सरकार को दिशा निर्देश या सरकार को विभाग संबंधी जानकारी देने के लिए ये आवश्यक है कि हर विभाग में कुछ लोग स्थायी भी रहें। ये स्थायी लोग कौन होते हैं? ये स्थायी लोग वे हैं जो किसी भी दल के आने जाने से प्रभावित नहीं होते। और ये लोग कब हटते हैं? ये लोग जब सेवानिवृत्ति होती है, सेवानिवृत्ति का कार्यकाल लगभग 30 वर्ष से ऊपर का रहता है। 21 वर्ष की आयु के बाद इसमें नियुक्तियां हो सकती हैं, और 60 वर्ष या 62 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी उसकी रिटायरमेंट की उम्र होती है उस पद की, उस अर्हता को पूरा करते हुए फिर वो कार्य मुक्त होते हैं, और तब तक वे लोग सतत रूप से उस विभाग में या उस नौकरी में बने रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये चुनाव से इनका कोई ताल्लुकात नहीं, दलों के आने जाने से इनका कोई ताल्लुकात नहीं। ऐसे लोग सेवानिवृत्ति के पश्चात ही पद से हटेंगे। तो इस प्रकार हर विभाग में जैसे रैंक के अलग अलग मंत्री हैं, ऐसे हर विभाग में एक सेक्रेटरी होता है जो स्थायी है, उसके अतिरिक्त एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं जिनकी संख्या सरकार पर निर्भर करती है, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं,
अधीक्षक या सुपरिंटेंडेंट होते हैं और क्लर्क्स होते हैं। ये सब स्थायी पद हैं और इनकी संख्या भी स्थायी है। स्थायी से अर्थ इनकी संख्या बढ़ाई घटाई जाती है सरकारी आदेशों के तहत जरूरत को देखते हुए, और इसके लिए और ये सरकारी नौकरियां कहलाती हैं। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो स्थायी हैं, नॉन गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो अस्थायी हैं, वे राजनीतिक, वे पॉलिटिकल जॉब्स हैं। मंत्रियों का जो रैंक था वो पॉलिटिकल जॉब था, और मंत्रियों के नीचे सचिव वगैरह जो रहते हैं ये नॉन पॉलिटिकल जॉब्स हैं। तो इस प्रकार हमने ये भी अभी देख लिया कि किस प्रकार निरंतरता और सततता बनाए रखने के लिए हर विभाग में कुछ लोग स्थायी भी रहते हैं, जिन्हें हम नौकरशाही कह सकते हैं या जिन्हें हम गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं। अब हम आते हैं मंत्रियों के वेतन और भत्ते पर। आखिर इन्हें मिलता क्या है? आप लोग जब तक सुनते होंगे, लोगों को मंत्री बनने की बड़ी चाह रहती है। शुरू में तो सांसद बनने की चाह रहती है, उसमें सफल हुए तो मंत्री बनने की चाह रहती है, और मंत्री बनने पे सफल हुए तो फिर किस रैंक के मंत्री बने इसकी चाह रहती है, और फिर विभागों के चयन की चाह रहती है, जो अलग मुद्दा है। फिलहाल हम ये जानें कि मंत्रियों का सामान्यतः वेतन भत्ता क्या रहता है। इनका जो वेतन और भत्ता होता है ये संसद के द्वारा तय रहता है, कितना वेतन मिलेगा और कितना भत्ता मिलेगा। भत्ता माने अलाउंस। लेकिन प्रैक्टिस में यदि देखा जाए तो प्रशासनिक अनुभव के आधार पर मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग दे दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को निःशुल्क आवास मिलता है, अन्य सुविधाएं मिलती हैं, टेलीफोन का फ्री अलाउंस, फ्री बिजली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हवाई जहाज़ में वर्ष में इतनी बार यात्रा करने की सुविधा, महीने में इतने पेट्रोल की सुविधा, एक पूरा टीम मिलती है उनकी नौकरों की या क्लर्क्स की, पूरी पूरी टीम मिलती है जिसमें मालिक से खान सामा, रसोईया, चौकीदार, गार्ड, ये पूरी टीम रहती है। उसके अलावा इनको रेलवे पास मिलते हैं वर्ष में कई बार यात्रा करने की, जिसकी संख्या काफ़ी होती है, हवाई पास मिलते हैं, विदेश यात्राओं की सुविधाएं मिलती हैं, और इन सब के अलावा बहुत सारे प्रिविलेजेस, जिसे हम विशेष सुविधाएं बोलते हैं, वे मिलते हैं। VIP सिक्योरिटी मिलती है। VIP अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इस श्रेणी में ये लोग आते हैं, और जैसे ही श्रेणी में आते हैं इस श्रेणी से जुड़ी हुई सभी सुविधाएं इनको उसी क्षण मिलना प्रारंभ हो जाती है जिस क्षण ये मंत्री नियुक्त होते हैं। तो अब ये हो गया मंत्रियों के वेतन भत्ते के बारे में। अगली बात है विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारा जो है, जैसा मैंने पूर्व में बताया, व्यक्तियों के प्रशासनिक अनुभव, व्यक्तियों की अपनी पकड़, व्यक्तियों के अपने कार्य कौशल को लेकर प्रधानमंत्री तय करते हैं कि किसे कौन सा विभाग दिया जाए और कौन सा रैंक दिया जाए, और इनकी नियुक्ति फिर राष्ट्रपति करते हैं। व्यवहार में देखा जाए तो संविधान के अनुसार मंत्रियों का विभाजन राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। हर काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, ऐसे ये काम भी राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन प्रैक्टिस में, व्यवहार में, प्रशासनिक अनुभव के आधार पर मंत्रियों के विभागों का विभाजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्य विभाजन के आधार पर बनाई गई सूची ही राष्ट्रपति को दी जाती है, जो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति को मानना होता है, और जिस पर राष्ट्रपति डिट्टो अपनी स्वीकृति दे देता है, यथावत स्वीकृति देता है। पर तो चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री। विभागों का वितरण? प्रधानमंत्री। रैंक? प्रधानमंत्री। ये सारी चीज़ राष्ट्रपति को भेज दी जाती है, राष्ट्रपति इसे स्वीकार करते हैं। सामान्यतः एक मंत्री के अधीन एक विभाग होता है, सामान्य स्थिति में एक मंत्री के अधीन एक विभाग।
परंतु कभी कभी एक मंत्री एक से अधिक विभाग भी उन्हें दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर कई बार विभागों में बदलाव भी हो जाता है, कई बार विभागों का ही बंटवारा हो जाता है, और इस प्रकार कभी कम संख्या रहती है विभागों की, कभी विभागों की संख्या बढ़ जाती है। मंत्रियों को योग्यता, क्षमता, ज्ञान और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर विभाग दिए जाते हैं आदि आदि। विभागों की यदि बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण विभाग कौन कौन से हो सकते हैं? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ऐसे बहुत से मंत्रालय हैं। इन मंत्रालयों की संख्या घटती बढ़ती रहती है और इन मंत्रालयों के रूप को भी बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए पहले एक मंत्रालय होता था शिक्षा विभाग, बाद में उस शिक्षा विभाग को के साथ कुछ अन्य विभागों को जोड़ दिया गया और उसे बना दिया गया MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव विकास मंत्रालय। फिर मानव विकास मंत्रालय को फिर तोड़ा गया और शिक्षा मंत्रालय के रूप में एक नए रूप में उसे सामने लाया गया। तो इस प्रकार मंत्रालयों का भी एक तरीके से विभाजन होता है, मंत्रालयों को भी जोड़ के नया मंत्रालय बनाया जा सकता है। ये सब प्रधानमंत्री के विवेक पर, प्रधानमंत्री की सोच पर। फिर संस्कृति मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, विज्ञान मंत्रालय है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, संचार मंत्रालय है, आदि 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 आदि। ऐसे मंत्रालयों की संख्या काफ़ी है, लेकिन मंत्रियों की संख्या सीमित होने का प्रावधान है, जो लगभग 50 से 60 के बीच में हो, क्योंकि 10% का नियम है।